नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे शिल्पा और हिना के बारे में। तो घर में जितनी सारी लड़ाइयां हो रही है शिल्पा और हिना के बीच में, बाहर भी कम चर्चे में नहीं बने हैं ये दो लोग। और ट्विटर पे तो हंगामा हो गया, जहां शिल्पा के खिलाफ इतने सारे सपोर्टर है, वही हिना के खिलाफ बहुत सारी तिरकम यूज की जा रही है। तो मैं बताती हूँ कि अभी क्या क्या हुआ है। जहां शिल्पा के लिए ट्विटर पे फैन लोग शिल्पा विनिंग हर्ट हैशटैग का यूज कर रहे हैं, वही हिना के लिए इंडिया लव्स हिना भी यूज हो रहा है। बट ये कहानी कुछ अलग ही डिफरेंट नजर में आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने पेड ट्विटर का इस्तेमाल किया है और उन्होंने खर्च किए हैं 3 लाख रुपए हिना को अच्छा साबित करने के लिए और शिल्पा को हराने के लिए। तो ये देखना होगा कि फैन जो शिल्पा को अभी बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और हिना की भी फैन फॉलोइंग ऐसा कम तो है नहीं है, बट रॉकी जायसवाल ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और तो वही बिग बॉस के फैन के पेज के हिसाब से शिल्पा विनिंग हर्ट जेन्युइन था, वो कोई भी पेड नहीं था। बट रॉकी जायसवाल ने जो हिना के लिए जो स्टेटमेंट लागू किया था इंडिया लव सीना, वो 3 लाख रुपए खर्च किए हुए थे और वह पेड था। तो क्या ये सही है एक अपने आप को ऐसे बचाना, या फिर जो यूज हो रहा है तो ये क्या सही है? और क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन था या फिर ये सच में ऐसा है? शिल्पा को लोग एक्चुअली प्यार करते हैं या फिर उनके लिए भी कुछ ऐसी तिरकम अपनाई जा रही है? तो घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी ऐसी बहुत सारी कहानियां बन रही है। ट्विटर पे इतने सारे हंगामा हो रहे हैं और शिल्पा पूरे हिस्ट्री में उन्होंने बिग बॉस के रिकॉर्ड कायम किया है। उनके इतने ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं उनके बारे में कि लोग इतने काफी खुश हैं और काफी हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दिया है इस बात को लेके। वही शो में भी दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा स्टार्टिंग से बोलते नजर आए हैं। हमेशा ही दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई रहती नजर आई है हमें। जैसे कि हिना ने हमेशा शिल्पा के बेरोजगारी का मजाक उड़ाया है, उनकी बॉडी शेमिंग की है, वही शिल्पा ने भी हिना को काली बोल के कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उन्होंने भी एक टाइम पे मजाक मजाक में ही काली भी बोल दिया था। तो दोनों एक दूसरे के मजे लेने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और बाहर तो पब्लिक हंगामा कर रही है, तो पब्लिक अभी किसे चाहते हैं आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आप हिना को चाहते हो या आप शिल्पा को चाहते हो, किसके सपोर्ट में आप आगे आओगे? और जो भी ये कहानी बन रही है ट्विटर पे, तो आपको क्या लगता है कौन फेक है और कौन जेन्युइन है, ये आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। बाय, टेक केयर।